स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती परिवार में। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट में पढ़ा, कमेंट बहुत सारे लोगों ने किया था कि सर साइलो पढ़ा कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो हम लोग कॉन्सेप्ट अगर बेसिकली पढ़ते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस अगर आपका दिया हुआ रहेगा तो ज्यादा समझ में आता है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग सारे 15-20 क्वेश्चन को करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो देखते रहिए लास्ट तक, तभी समझ में आएगा, उससे पहले कुछ होने जाने को नहीं है। तो ज्यादा देर का नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, 20 मिनट का वीडियो होगा आपका, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो ये कंफर्म है कि 5 में से 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, ये गारंटी है, मेरा वादा रहा, ठीक है। चलो तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग का हम लोग स्टार्ट करते हैं साइलो। देखो साइलो का मतलब जो क्या होता है आपका, साइलो का मतलब आपका होता है न्याय। न्याय मतलब क्या होता है, जस्टिस होता है। इसमें जो क्वेश्चन का प्रकार है आपका, क्वेश्चन का जो प्रकार आपसे पूछा जाता है, वो कैसे क्वेश्चन इसमें आता है, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका जो पूछा जाता है, ये कथन पहले पूछा जाता है, फिर आपका निष्कर्ष पूछा जाता है। यहाँ पे निष्कर्ष आपसे पूछा जाएगा। कथन को इंग्लिश में आपका स्टेटमेंट कहते हैं और निष्कर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन कहते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट कथन कहते हैं। चलो अब क्या है, इसके बनाने का तरीका जो है वो 3-4 तरीका है, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो मेरा है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाते हैं तो काफी आसान होता है, हम लोग उसी मेथड से यहाँ पे पढ़ेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। भागना नहीं, देखो पूरा वीडियो, ठीक है। चलो कथन, यहाँ कथन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। यहाँ पे कथन के हिसाब से फिगर बनाएंगे मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग उसका फोटो बनाएंगे, यहाँ पे और फोटो बनाएंगे और फोटो पे देखेंगे कि जो मेरा निष्कर्ष लिखा गया है वही मेरा फोटो पे है या नहीं है, मतलब मेरा फोटो उसी चीज को, मेरा फिगर जो है उसी चीज को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जो मेरा निष्कर्ष लिखा गया है वही चीज मेरा अगर फिगर में होगा तो वो कंफर्म एकदम 100% वो आपका सही होने वाला है। अब देखो जो आपका कथन होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट का जो संख्या होगा वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, निष्कर्ष का जो संख्या होगा वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। हम लोग को ऊपर वाला जो निर्देश दिया जाएगा, ऊपर वाला जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस चीज को पढ़ के आगे का आंसर हम लोग को देना है, लेकिन ऊपर वाला निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है कि आखिर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया आपका कह क्या रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, अब बात आता है इस चीज का कि सर ये कथन होता है, ये निष्कर्ष होता है, ये 2-3 कथन रहेगा, 2-3 निष्कर्ष रहेगा आपका, ये फोटो रहेगा। अब इसमें हमको देखना क्या है भाई साहब कि फोटो जो है वो फोटो आपका फिगर जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग फोटो पे चर्चा कर लेंगे, फोटो के बारे में पता होगा तो हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फोटो पे आते हैं डायरेक्टली। अगर हम लोग फोटो का बात करें तो फोटो जो इसका होता है, आपका फिगर होता है, आपका 4 तरीके का फिगर इसमें बनता है वेन डायग्राम में। पहला जो फिगर है आपका, पहला वाला जो फिगर है वो आपका होता है सभी का, सभी, सभी मतलब इसको हम लोग ऑल लिखते हैं, सभी मतलब क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। और इसका जो फिगर होता है भाई साहब, ये आपका फिगर ऐसे करके दिया रहता है, ठीक है, फिगर आपका ऐसे करके दिया रहता है यहाँ पे। तो इस दोनों तरीके से हम लोग फिगर बना सकते हैं, आपको जिसमें सहूलियत हो आप उस फिगर को एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब इसके हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा रहेगा क्या कि सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है, ऐसा करके आपसे लिखा रहेगा। तो सभी ए जो है ए यहां होगा और बी यहां होगा, मतलब सभी जो ए वाला जो पार्ट है, सभी जो ए वाला जो बॉक्स है वो पूरा बी के अंदर इंक्लूड है आपका, ठीक है। फिर हम लोग ए यहां लिखेंगे, बी यहां लिखेंगे, दोनों में किसी प्रकार का अंतर होने वाला नहीं है। तो पहला फिगर समझ में आया होगा। दूसरा फिगर जो होता है मेरा वो होता है कुछ का, जिसको हम लोग सम बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ का फिगर होता है, मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सम। इसका जो फिगर होता है, इसका फिगर ऐसे होता है, ठीक है। अब इस पे हम लोग एग्जांपल लेंगे, बोला क्या जाएगा कि कुछ ए बी है,
ठीक है, दिख रहा होगा बोर्ड पे, कुछ ए बी है, मतलब कुछ ए वाला जो पार्ट है आपका वो बी है, मतलब ए यहाँ आपका हो जाएगा और बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, और इस दोनों के बीच वाले पार्ट जो है आपका, बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी यहाँ पे दोनों है, इंक्लूड आपका दिया गया है। तो ये दो फिगर आप लोग को पक्का समझ में आया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। जहां भी सभी बोलेगा फिगर ऐसे बनाएंगे, जहां भी कुछ बोलेगा हम लोग फिगर क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले फिगर पे। इसका बाद वाला जो फिगर है वो आपका नहीं का है, या फिर सभी नहीं, या फिर कोई नहीं करके उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट वाला जो फिगर है मेरा, तीसरा वाला, वो आपका है सभी नहीं, या फिर आपका देगा कोई नहीं, दोनों का मतलब बराबर है। दोनों का मतलब क्या है, बराबर है। ये कहने का मतलब है आपका कि पहले तो नो लिखेगा और दूसरे वाले में ऑल नॉट लिखेगा। देखो ऑल का मतलब सभी, नॉट का मतलब नहीं, मतलब सभी नहीं या फिर कोई नहीं, बात दोनों बराबर है, हम लोग दोनों बात कह सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आदमी को क्या करता है, यहाँ पे जो आदमी हम लोग एग्जाम में देने जाते हैं एग्जाम्स को, परीक्षा को, वहां पे आपका क्या करता है कि आपका ऑल दे देगा और नॉट दे देगा। तो ऑल के बगल में तो नॉट रहेगा नहीं आपका, तो पहले हम लोग ऑल देखते हैं और ऑल का फिगर बना लेते हैं, उसी कारण मेरा क्या हो जाता है वहां पे गलत हो जाता है। लेकिन ये गलती भूलकर ही नहीं करना है हम लोग को। अब इसका जो फिगर होता है यहाँ पे, इसका ऐसा फिगर होता है भाई साहब, ये दोनों में कोई संबंध होने वाला नहीं है। जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा क्या कि सभी ए बी नहीं है, ठीक है, या फिर दूसरा देख लो, एकदम सारा चीज क्लियर करके चलना है। दूसरा बोलेगा क्या कि कोई ए बी नहीं है, ये चीज हो गया आपका। तो मतलब सभी ए वाला जो पार्ट है वो आपका बी नहीं होगा, ऐसा करके बोला गया, या फिर कोई भी ए वाला जो पार्ट है वो आपका बी नहीं होगा, मतलब दोनों में दूर दूर तक का रिलेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ए का बी से कोई संबंध नहीं है, बी का ए से कोई संबंध नहीं है। चलो अब हम लोग चौथा वाला जो फिगर देखेंगे, वो चौथा वाला फिगर आपका आता है कुछ नहीं का, कुछ नहीं का फोटो आता है आपका, फिगर आता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सम नॉट, ठीक है। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन ये जो है आपका एसएससी रेलवे वाले में नहीं पूछता, लेकिन जानना हमको जरूरी है, तो एक मिनट इस पे भी हम लोग ले लेते हैं। इसका मैं क्या करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये काफी लंबा प्रोसेस है जाता है, कुछ लंबा क्वेश्चंस का टाइप है इसका, कुछ लंबा समझने का तरीका है, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें फिगर जान लो, ठीक है, कैसे होता है। लिखेगा कुछ ए बी नहीं है, एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका लेंगे तो कुछ ए बी नहीं है, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका फोटो हम लोग दो तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि कुछ ए वाला जो पार्ट है ये वाला, आप कहीं भी ले सकते हो कुछ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट आपका बी नहीं है। दूसरा फिगर जो मेरा बनेगा, दूसरा फिगर जो हम लोग इसमें नो का भी फिगर ले सकते हैं, मतलब कोई ए आपका बी नहीं है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर नो का फिगर क्यों लेंगे, अब सोच के देखो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सम नॉट का जहां भी केस आता है उसमें नो का रिलेशन चलेगा, ये याद कर लीजिएगा, और जहां भी नो आता है उसमें आपका सम नॉट का रिलेशन चलने वाला है। इसका मैं वीडियो पार्टिकुलर बनाऊंगा तब समझ में आएगा, लेकिन यहां तक आप लोग समझ लो, और इसका फिगर ये और ये वाला आप लोग समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, और सारे टाइप का क्वेश्चन आपका है, और जो कंसेप्ट है आपके उस क्वेश्चन में दिया जाएगा, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। हम लोग को चार चीज याद करना भाई साहब, हम लोग को चार चीज याद करना है, देखो क्या क्या, इसी चार चीज पे सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आपका कथन पॉजिटिव होगा तो आपका निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कथन पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा ध्यान देना कि अगर कथन निगेटिव होगा तो आपका निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा कथन आपका निगेटिव है तो पूरा का पूरा निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो
तीसरा क्या कि आपका अगर 100% निष्कर्ष जो है फोटो को फिगर का अनुसरण कर रहा है, मतलब जो निष्कर्ष में लिखा गया है वो आपका फोटो में दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है, तो वो हमेशा सही होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वैलिड, मतलब ये सही वाला निष्कर्ष होगा। चौथा क्या इनवैलिड बोलते हैं, मतलब क्या अमान्य, जिसका वैल्यू नहीं हो, याद रखना जिसका वैल्यू नहीं हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत वाला हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है निष्कर्ष में आपका कि सभी ए बी, और फोटो में देखने से फिगर में लग रहा है कि सभी ए बी नहीं है, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो जितना सकता शक्ति वाला आपका चीज है, जितना सकता शक्ति वाला आपका निष्कर्ष है, सारा आपका पॉसिबिलिटी में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डाउटफुल हमेशा गलत होता है। चलो यही बस चार चीज आप लोग को बताना था। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखना थोड़ा भी प्रॉब्लम, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो तो पहला जो क्वेश्चन होगा आप लोग का, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन में कथन लिखा गया है कि सभी चूहे घंटी हैं। सभी क्या है, सभी चूहे घंटी हैं। तो यहां लिखेंगे क्या कि सभी चूहे क्या है, घंटी है, ठीक है। फिर आगे लिखा गया कि सभी घंटी कार है। अब सभी घंटी क्या हो जाएंगे, कार हो जाएंगे। देखो एकदम आराम से समझ जाएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, देखते रहो यहां से। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ना कि सभी ए बी है और सभी बी सी है आपका, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो पहला वाला क्या लिखा है कि सभी घंटी चूहे हैं। सभी घंटी चूहे, मैंने क्या बोला था कि जो निष्कर्ष मैं पढ़ूंगा उसका फोटो में क्लियरिफाई, मतलब क्लियर होना चाहिए ये चीज, कि जो लिखा गया वहां दिखना चाहिए। तो क्या सभी घंटी क्या चूहे है, क्या नहीं है, सभी घंटी चूहे नहीं, सभी चूहे घंटी है, लेकिन सभी घंटी तो चूहे नहीं है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे वाले पे आते हैं कि कुछ कार ना तो घंटी है और ना ही चूहा है। भाई साहब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए आपका, तो कथन दोनों का दोनों पॉजिटिव है आपका, और निष्कर्ष ये ना लग गया मतलब निगेटिव हो गया, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में, ठीक है। चलो तीसरा में कि कोई कार्य चूहा नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया, कि ये भी आपका निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका निगेटिव है। मेरा अगर पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो आपका केवल आपका क्या है, कोई अनुसरण नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा कि कोई अनुसरण नहीं करता है। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं है कि सिर्फ एक, सिर्फ दो, सिर्फ तीन, सिर्फ दो और तीन करके दिया गया है, और पांचवा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, नन ऑफ दिस हो जाने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, लिखा है क्या कि कुछ होटल ईंट है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ जो होटल है, कुछ होटल ईंट है। अब देखो यहां क्या लिखा, कुछ होटल जो है वो ईंट है, तो हम लोग फिगर बना लेंगे ऐसे करके, सभी ये कुछ का फोटो बना लेंगे। फिर क्या लिखा कि सभी केले ईंट है, तो सभी जो केला होगा ये आपका ईंट हो जाएगा यहाँ पे। चलो सभी केला ईंट है, सभी ईंट केला नहीं है, लिखा क्या कि सभी केले ईंट है, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो तो पहला वाला देखते हैं, बस निष्कर्ष पढ़ना है और फिगर को देखना है। कुछ केले होटल है, देखो तो कुछ केला होटल है क्या, कुछ केला होटल आपका नहीं है, क्योंकि कुछ केला होटल होता तो फिगर आपका ऐसे बनता, ठीक है, फिगर आपका ऐसे बनता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि कुछ ईंट होटल है, कुछ ईंट आपका क्या है, होटल है, कुछ ईंट जो है वो आपका होटल है, बिल्कुल सही है आपका। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा जो है आपका कि कोई केला होटल नहीं है। भैया पॉजिटिव कथन तो पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत है। अब देखो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि इसमें कंडीशन ऑफ आइदर और आ रहा है, मतलब आपका या तो वाला केस आ रहा है। या तो वाला केस कहने का मतलब क्या है कि आपका दो कंक्लूजन में, ध्यान से सुनना बउआ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत ही जरूरत वाला चीज है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आपका इधर और भी यहाँ पे जान लो थोड़ा सा। इधर और में क्या लिखा गया है कि इधर और जो है आपका कैसे लगता है, तो इधर और जो है हमेशा दो ही निष्कर्ष में लगेगा, हमेशा दो निष्कर्ष में, जैसे कि यहाँ तीन है तो एक और तीन में लग सकता है, एक और दो में लग सकता है, ठीक है, लेकिन जब भी लगेगा तो दो ही निष्कर्ष में लगेगा। इसके लिए नियम क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे देखो,
दोनों का आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एलिमेंट जो है वो आपका बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, और एक तो आपका पॉजिटिव हो तो एक आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब पहला वाला देखो कि पहला वाला कथन क्या लिखा है। पहला वाला लिखा है कि कुछ केले होटल है, लिखा है ना कि कुछ केले होटल है। ठीक है, और देखो नीचे वाला में कि कोई केला होटल नहीं है, जो गलत वाला है उसको देखना है कि कोई केला होटल नहीं है। अब देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि जो पहले आया केला तो सब्जेक्ट हो गया, बाद में आया होटल तो ऑब्जेक्ट हो गया। पहले आया केला तो सब्जेक्ट हो गया, बाद में आया होटल तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों आपका बराबर होना चाहिए, केला केला यहां भी है, होटल होटल आपका यहां भी है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आपका बराबर है। और दोनों निष्कर्ष क्या गलत होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष का दोनों का दोनों जो निष्कर्ष होगा आपका गलत होना चाहिए, तो पहला वाला भी गलत है और तीसरा वाला भी गलत है। तब देखो क्वेश्चन में क्या बोला आपका, तो ये वाला भी समझ में आ गया, ये वाला भी आ गया, दोनों गलत है और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका ये पॉजिटिव है मतलब नॉट नहीं लगाया गया है, और यहाँ पे आपका निगेटिव है इसमें नॉट लगाया गया है, तो एक पॉजिटिव और निगेटिव वाला भी फॉलो हो रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है कि सिर्फ या तो एक या तीन और दो, मतलब सिर्फ आपका या तो एक या तो तीन होगा और दो नंबर जो होगा निष्कर्ष आपका अनुसरण करेगा, ये आपका यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे पकड़ेंगे कि आपका कंडीशन ऑफ इधर, तो मैंने नियम बता दिया है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक मैं यहाँ बताता हूँ, एकदम रामबाण ट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देखते जाओ कैसे। जैसे क्या कि आपका कंडीशन ऑफ इधर और जो लगेगा वो कैसे लगेगा, ये चीज सीख गए आपका कि दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए आपका, उसके बाद भी आपका क्या है कि बस तीन चीज में आपका आइदर और लगेगा। कि कंक्लूजन में निष्कर्ष में यहां ध्यान देना कि निष्कर्ष में आपका जो है निष्कर्ष में ये होना चाहिए, निष्कर्ष में ये आपका होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए सभी प्लस कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि कुछ प्लस कुछ नहीं, तीसरा आपका होगा आपका यहां क्या कि कुछ प्लस कोई नहीं। ठीक है, यही तीन चीज में आपका आइदर और लगने वाला है, ये ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, और ये रामबाण है मेरे हिसाब से। इसके अलावा जो है आप में ऐसा कोई भी आपका इधर और नहीं है जो रूल फॉलो करेगा। पहला क्या देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गलत होना चाहिए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका सभी कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं और कुछ और कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखना ये क्वेश्चन क्या लिखा गया था कि पहला वाला निष्कर्ष में आपका कुछ लिखा गया था कि कुछ केले होटल है, तीसरा क्या लिखा गया था कि कोई केला होटल नहीं। तो पहला में क्या आया आपका, पहला में आया आपका कुछ और दूसरा में आया कि आपका कोई नहीं। ठीक है, तो देखो कुछ और कोई नहीं लिखा गया है, तो ये भी आपका फॉलो हो रहा है और ये भी आपका दोनों का दोनों फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका चार जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यही कंडीशन ऑफ आइदर ऑर का रूल है, एकदम शॉर्टकट मैंने समझाया, कोई ज्यादा लॉन्ग कट नहीं ले जाना है किसी भी चीज को। ठीक है, इतना हो गया। एक और चीज ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका जैसे लिखेगा कोई प्लस, यहां लिखेगा कोई नहीं, उसके बाद आपका लिखेगा सभी, कहने का मतलब है यहां पे नो प्लस ऑल, इसमें कभी भी आइदर और फॉलो नहीं होगा, इसमें कभी भी आइदर और फॉलो नहीं होगा, बस यही तीन चीज में आपका आइदर और फॉलो होने वाला है, इसका आंसर हमेशा चार होगा, मतलब ना तो एक और ना तो दो, मतलब नीदर वन और नीदर टू आपका ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो आई बात समझ में। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, और सभी क्वेश्चन देखना है, मैंने दो चीज आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया, काफी मजेदार था। चलो आगे हम लोग चलते हैं, जल्दी से टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलो नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या लिखा गया है यहां पे कि सभी किताबें डायरिया हैं, सभी किताब डायरिया हैं।
ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि कुछ डायरिया पेन है, कुछ जो डायरिया है वो क्या है पेन है, ठीक है। फिर क्या लिखा कि कुछ पेन ड्रॉवर है, कुछ पेन जो है वो आपका ड्रॉवर है लिखा गया है। चलो तो कुछ का हम लोग ऑल का फोटो बनाते चलेंगे। सभी ड्रॉवर कुर्सियां हैं, सभी जो ड्रॉवर है वो क्या है कुर्सियां हैं, ठीक है। चलो इतना तो क्लियर है, हम लोग यहाँ पे एबीसीडी करके बिठा देंगे, ए बी सी डी ई। चलो यही पे क्लियर है कि सभी है आपका बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है और सभी डी आपका ई है, ऐसा करके फोटो में दिया गया है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो क्या लिखा है, देखो भैया इसमें कितना चार निष्कर्ष दिया गया। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो दिया गया है कि कुछ ड्रॉवर डायरिया है, तो ड्रॉवर यहां और डायरिया यहां, भैया दूर का रिश्ता नहीं चलता है, दूर का जो डायग्राम होगा वो चलने वाला नहीं है। ड्रॉवर यहां डायरिया यहां, तो कुछ ड्रॉवर डायरिया दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या लिखा है कि कुछ कुर्सियां पेन है, क्या कुछ कुर्सियां पेन है। हाँ देखो कुर्सियां यहां और पेन यहां है आपका, तो ये वाला पार्ट तो है आपका, तो कुछ कुर्सियां पेन दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तीसरा में क्या लिखा है कि कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताब है क्या, देखो नहीं ना, कुछ का तो फोटो नहीं बन रहा है, कुछ का तो फिगर नहीं बन रहा है आपका, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चलो तीसरा वाला कि कुछ डायरिया किताब है, कुछ डायरिया किताब है, हाँ कुछ बी तो ए है, कुछ डायरिया तो आपका किताब है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आराम से ये वाला आपका सही कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका चार नंबर सही होगा। चार नंबर में कहने का मतलब है कि केवल दो और चार अनुसरण करते हैं, ठीक है, दो और चार आपका अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन में दिया गया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो समझ में नहीं आया तो आप बैक करके देख सकते हैं, सारा चीज मैंने वैसे ही बताया जैसे पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी के हिसाब से सारा आपका क्वेश्चन चल रहा है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन लिखा है क्या कि सभी सूर्य तारे हैं, सभी जो सूर्य है वो क्या है सभी सूर्य तारे हैं, सभी जो सूरज है वो क्या है तारे हैं, ठीक है। देखना इसमें भी आइदर और लगने का चांस है, ध्यान देना जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था इसके एक पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फिर लिखा है कि सभी चंद्रमा तारे हैं, सभी जो चंद्रमा है, सभी चंद्रमा देखो सभी चंद्रमा तारे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कुछ ग्रह सूर्य हैं, कुछ जो ग्रह है वो क्या है सूर्य है, तो जो ग्रह है वो आपका उसके ऊपर क्या बन जाएगा सूर्य हो जाएगा। फिर क्या लिखा कि कुछ तारे गैस है, और कुछ तारे जो है वो गैस है, कुछ तारे जो है वो गैस है आपका, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो सारा का सारा आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मेरा नेगेटिव वाला कंक्लूजन क्या होगा निष्कर्ष चलने वाला नहीं है। अब देखो इसमें आपका चार कंक्लूजन दिया गया है, इसमें आपका चार का चार कंक्लूजन दिया गया। पहला क्या दिया गया कि कुछ तारे ग्रह है, कुछ जो तारा है वो ग्रह है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ तो है दिख रहा है, जो दिखेगा वही बिकेगा भैया, तो पहला वाला सही हो गया भाई साहब। दूसरा क्या कि कुछ सूर्य गैस है क्या, कि कुछ सूर्य जो है वो गैस है, देखो रिलेशन है दोनों में, संबंध है दोनों में, नहीं बिल्कुल नहीं है आपका, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा है कि कोई चंद्रमा ग्रह नहीं है, अब कोई चंद्रमा ग्रह नहीं है भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कथन है, तो नेगेटिव वाला मेरा क्या होगा गलत होना चाहिए। फिर क्या लिखा है कि कुछ गैस चंद्रमा है, कुछ गैस जो है चंद्रमा है, कुछ गैस तो चंद्रमा नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। अब जब ये चार में से तीन कंक्लूजन मेरा गलत हो गया, तीन मेरा निष्कर्ष गलत हो गया, तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है, दो कौन गलत है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो चंद्रमा ग्रह है, तो चंद्रमा ग्रह तो कहीं है नहीं, दो नंबर में भी नहीं है और आपका चार नंबर में भी नहीं है, चंद्रमा और ग्रह नहीं है, दो नंबर में आपका सूरज और गैस दिया गया है, फिर आपका चार नंबर में गैस और चंद्रमा दिया गया है, लेकिन चंद्रमा और ग्रह नहीं है, तो आपका आइदर और नहीं बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा कि केवल एक अनुसरण करता है, आंसर नंबर आपका टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका टू हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, अगले वाला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या लिखा गया है, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन से लिखा है क्या यहाँ पे
सभी रेलगाड़ियां बसें हैं, तो सभी रेलगाड़ियां ठीक है, सभी जो रेलगाड़ियां हैं वो क्या है, बस है, तो सभी का फोटो बना लिए हम लोग, ठीक है। फिर लिखा कि कोई कमरा बस नहीं है, भैया कोई कमरा क्या है, बस नहीं है, तो कोई जो कमरा होगा आपका बस नहीं होगा, ठीक है। सभी नाव कमरे, अब जो सभी नाव होगा, देखो यहां पे सभी नाव जो होगा वो क्या होगा, कमरा होने वाला, सभी नाव कमरा बोल रहा है, सभी कमरा नाव नहीं बोला, ठीक है, इस बात को यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो थोड़ा सा कि यहाँ ए रखेंगे, यहाँ बी रखेंगे, यहाँ सी और यहाँ डी रखेंगे, थोड़ा सोचना क्या कि जब ए का बी से संबंध है और सभी ए बी है आपका और कोई बी सी नहीं है, तो कोई बी भी आपका डी नहीं होगा, मतलब कोई बस कमरा नहीं है तो कोई बस नाव भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे कमरा के अंदर नाव आ रहा है और इस कमरा का जो संबंध है उस इस बस से नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष में पहला क्या लिखा गया कि कोई नाव रेलगाड़ी नहीं है, कोई नाव जो है रेलगाड़ी नहीं है। देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव कथन दोनों है, तो मेरा निष्कर्ष पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चल सकता है अकॉर्डिंग टू फिगर, मतलब फिगर के अनुसार मेरा दोनों चल सकता है। चलो यहां देखते हैं, अब पहला क्या बोला कि कोई नाव रेलगाड़ी नहीं, भैया कोई बस कमरा नहीं है तो कोई नाव रेलगाड़ी नहीं है, सही है, ये तो आपका सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोला कि कोई बस नाव नहीं है, कोई बस नाव नहीं है, ठीक है, तो कोई बस जो है वो क्या है, नाव नहीं है, ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला में आपका क्या है, तीन ही कंक्लूजन दिया है, तीसरा वाला में आपका क्या है कि कोई रेलगाड़ी कमरा नहीं है, कोई रेलगाड़ी कमरा नहीं है, ये भी आपका सही है, मतलब आपका सभी अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, मतलब क्या है, ऑल फॉलो ये हो जाएगा, ठीक है, ऑल फॉलो आपका हो जाएगा। चलो कोई परेशानी नहीं, हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है, देखो आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है। लिखा है कि कुछ ट्रेन कार है, कि कुछ ट्रेन जो है, कुछ ट्रेन कार है, ठीक है, फोटो हम लोग बना लेंगे। सभी कार शाखाएं हैं, सभी जो कार है वो क्या है, शाखाएं हैं, ठीक है, सभी शाखाएं जालियां हैं, सभी जो शाखाएं हैं, ध्यान देना सभी का फिगर बनेगा, जालियां हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुछ जालियां वस्त्र है, कि कुछ जालियां क्या है आपका, वस्त्र, जैसे बोला मैंने वैसे फिगर बना लिया, ए बी सी डी करके रखो, ज्यादा आसान होगा समझने में, ठीक है। चलो अब देखो क्या है कि सारा का सारा आपका पॉजिटिव है कथन, तो मेरा डिस्कर्स भी क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो क्या लिखा गया है कि कुछ वस्त्रकार है, इसमें आपका चार निष्कर्ष दिया गया है, तो चार निष्कर्ष पहले हम लोग भाई साहब यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो पहला वाला क्या है कि कुछ वस्त्रकारें हैं, कुछ जो वस्त्र है क्या वो कार है क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों का फोटो जो, दोनों का जो वृत्त है, दोनों का वेन डायग्राम जो है, वेन आरेख जो है वो अलग अलग बना हुआ है, तो ये वाला नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ वस्त्रकार नहीं है, ठीक है। दूसरा कि कुछ जालियां ट्रेन है, कुछ जालियां क्या है, ट्रेन है क्या, हाँ भाई साहब यहाँ तो है कि कुछ जालियां आपका क्या है, ये हो जाएगा, दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा कि कुछ शाखाएं ट्रेन है, कि कुछ शाखाएं भी आपका ट्रेन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही है, जो लिखा गया है वो आपका वहां फोटो में फिगर में दिखना चाहिए, तभी सही होगा। चौथे वाले पे आते हैं कि कुछ वस्त्र ट्रेन है क्या, क्या कुछ वस्त्र आपका ट्रेन है, देखो तो नहीं है, तो ये वाला भी गलत आपका आंसर हो जाएगा, केवल दो और आपका क्या है, एक और आपका चार, सॉरी आपका दो और तीन अनुसरण करता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 and 3 फॉलो, मतलब आपका 2 और 3 जो है अनुसरण करता है। चलो आई बात समझ में, हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखना अगला वाला क्वेश्चन जो एकदम मजेदार क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखोगे बहुत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 10% जूते चप्पल है, 10% क्या बोला, जूता चप्पल है। अब हम लोग तो ऐसा कभी पढ़े ही नहीं, तो याद रखना कि अगर 100% बोले, अगर आपका 100% बोले तो ऑल का मतलब सभी का फोटो लेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि माइनस 100% से कम बोले, जैसे कि आपका 99.9% बोले, दूसरा आपका 50.5% बोले, तीसरा आपका 10% बोले, और चौथा जो है आपका यहाँ पे
20% कुछ भी बोले तो ये हमेशा सम में आता है, हमेशा किस चीज में आता है, सम के फिगर में आता है। तीसरा कि अगर 0% बोल दे तो इसको नो में काउंट करते हैं, मतलब नहीं वाले में हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ये तीन चीज समझ लो, सारा क्वेश्चन सभी का भी बन जाएगा। चलो तो बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया, लिखा क्या गया है कि 10% जूते चप्पल है, 10% जूता, जूता जो है वो चप्पल है। तो भैया 10% का बात किया है तो हम लोग यहाँ सम का फिगर बनाएंगे, कुछ ए आपका बी है, ठीक है। दूसरा कि 5% चप्पल जो है वो कागज है, कागज है, ठीक है। चलो ये भी सम का फिगर में जाएगा। 99% मैंने बोला था ना अभी, 99% कागज पेन है, 99% जो कागज है वो क्या है, पेन है, मतलब सम सी इज डी, ये हो गया आपका। चलो तो सब में सम का फिगर बनेगा। दूसरा क्या, यहाँ पे निष्कर्ष पे चलते हैं कि कुछ जूते कागज है, क्या कुछ जूते कागज है क्या, नहीं, ऐसे भी दूर का रिश्ता नहीं चलता है, कि हमेशा ध्यान रखिएगा, दूर का रिश्ता चलने वाला नहीं, मतलब दूर का डायग्राम जो होगा उसमें रिलेशन चलेगा नहीं। तो कुछ जूता जो है वो कागज है क्या, नहीं है यहाँ पे, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या लिखा है कि कुछ जूते पेन है, क्या कुछ जूता जो है वो, कुछ जूता जो है आपका पेन है क्या, नहीं है, बिल्कुल दूर का रिलेशन नहीं चलने वाला ये भी आपका, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4, मतलब ना तो 1 और ना ही आपका 2, ऐसा ऊपर वाले निर्देश में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आया समझ में इस चीज को, तो ये सारी चीज आप लोगों ने समझा और काफी अच्छा सेशन था हम लोग का, ये बताने के लिए कि आपका सिलॉग्स क्या होता है, छोटा इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया यहाँ पे। जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया कि सर और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, तो मैं वो भी बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो में। और सारा जो आपका टॉपिक वाइज है, जैसे कि आपका डायरेक्ट टाइप का साइलो हो गया, आइदर और हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, सम नॉट हो गया, ओनली फ्यू हो गया, ठीक है, फिर आपका डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो गया, ये सारे टाइप है आपके साइलो के। तो आपका जितना भी ये सारा टाइप होगा हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बाय वीडियो करके, पार्टिकुलर वीडियो करके उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। और ये इस वीडियो को फैलाओ, इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ कि सबको समझ में आए ये चीज, कि आखिर ये होता कैसे है और इतना आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, भूलना मत, परफेक्ट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।